अस्सलाम वालेकुम मर्दो ख्वातीन उस्ताद इकराम मरकज दौलताला। जैसा कि आपको पता है पंजाब टीचर्स यूनियन के हल्का जाती इलेक्शन 10 दिसंबर को दौलताला में हो रहे हैं और पूरे मरकज़ के उस्ताद इकराम जोश खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें दो पैनल जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। एक है चौधरी ज़फरान बरकत साहब का पैनल जिसका इंतखाबी निशान चांद है और दूसरा नासिर हाशमी साहब का है। ये दो पैनल क्यों वजूद में आए, नया पैनल चौधरी ज़फरान बरकत साहब का क्यों वजूद में आया, इसकी वजह क्या है, ये एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि मरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक पंजाब इलेक्शन बहुत कम करवाए जाते थे, बंद कमरों में फैसले हो जाते थे और वो किसी न किसी टीचर को कोई ओहदा दे के चुप करवा देते थे। उसका नतीजा क्या निकलता था, नतीजा ये निकलता था कि वो सदर या जनरल सेक्रेटरी मफलूज किस्म के होते थे, वो शुक्रगुजार होते थे अपने आला अहदेदारान के कि उन्होंने उन्हें सेलेक्ट कर लिया होता था। फिर वो अपने प्रॉपर जिस तरीके से जिस लेवल की जिस सतह की जिस नैज की जिस मेयार की उसाजा की खिदमत करनी चाहिए थी वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी अपनी जो हैसियत होती थी वो कोई ख़ास नहीं होती थी, वो शुक्रगुजारी वाली सूरत हाल होती थी। तो इसलिए चौधरी ज़फरान बरकत साहब को सिलेक्ट किया जा रहा था, उनको सदारत दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक मफलूज किस्म का सदर नहीं बनूंगा बल्कि मैं एक, अगर रब ने चाहा तो मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम ने मुझे मुंतखब किया इलेक्ट किया तो फिर मैं ये खिदमात सर अंजाम दूंगा और अपने भरपूर पैनल के साथ खिदमात सर अंजाम दूंगा और उस्ताद के मसाइल को हल करने के लिए अपने तई हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो ब्रुएकार लाऊंगा, लेकिन मैं मफलूज किस्म का सदर या सिलेक्टेड सदर नहीं बनूंगा बल्कि इलेक्टेड सदर अगर खुदा ने बनाया और खुदा के बाद एक मुअज़्ज़ज़ मर्द व ख़वातीन उस्ताद इकराम ने बनाया तो मैं ज़रूर बनूंगा। तो इसलिए चौधरी ज़फरान बरकत साहब का पैनल जो है वो तश्कील पाया है और 10 दिसंबर को इंतखाब होने जा रहा है। आप सबसे भरपूर अपील है कि आप उस्ताद दोस्त पैनल, यूनाइटेड पैनल, इत्तेहाद पैनल जो है, चांद का इंतखाबी निशान रखने वाला चौधरी ज़फरान बरकत साहब का जो पैनल है जिसमें जनरल सेक्रेटरी शाहिद खुर्शीद साहब हैं हाई स्कूल निडाली से, इन्हें भरपूर आप सपोर्ट करें, आप हमारा साथ दें, हम इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी तमाम तरतवनाइयाँ आपके मसाइल को हल करने में लगा देंगे। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा दोस्तों ने रिस्पॉन्स दिया है। मरकज़ दौलताला के तूलो अर्ज़ में जहाँ जहाँ पे हम गए हैं, जिन स्कूल्स में हमने विज़िट किया है, उस्ताद कराम ने भरपूर तावन की यकीनदानी करवाई है। चौधरी ज़फरान बरकत साहब को मैं पहले दिन से जानता हूँ, डे वन से हम स्कूल में इकट्ठे एक टाट पर बैठे थे और आज दिन तक हम इकट्ठे हैं। मैं उनको जानता हूं कि वो एक हिम्मत ना हारने वाला इंसान दोस्त, एक लीडर है, आप इसका साथ दें, ये मुश्किल में कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा और अपनी तन मन धन की बाजी ज़रूर लगाएगा आपके मसाइल को हल करने के लिए। आपके वोट का सबसे ज़्यादा हकदार चौधरी ज़फरान बरकत और शाहिद खुर्शीद साहब हैं, आप इनका साथ दें। इंशाल्लाह अज़ीज़ 10 दिसंबर को चांद को कामयाब करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ चांद अब कामयाबी के बाद इस मायूस कुन सूरतयाल जिसमें उसाजा के हकूक़ की पामाली की जा रही है, यकीनन इस गुप और अटा टोप अंधेरों में चांद रोशनी बन के आएगा। साथ दीजिए चांद का। बहुत शुक्रिया। वसलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।